हमारे बीच में मीरा ठाकुर जी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो है सम्मान दिया जा रहा है महिलाओं को, सब पूरे भारतवर्ष से यहाँ आई हुई हैं। आइए हम सब जानकारी देते हैं, हमारे बीच में मंजू ठाकुर जी। मंजू ठाकुर जी, आज मीरा ठाकुर जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सभी महिलाओं को, हमारे पूरे भारत देश की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि आगे बढ़ो, सशक्त बनो और अबला नहीं रहना है, सबला भी नहीं, महासबला बनना है। मीना जी, सभी लोग इसी तरीके से कहते हैं, लेकिन इसका जो रास्ता है वो क्या है? आपने कह दिया कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए उन्हें साधन जरूरत है, शिक्षा लेनी है तो शिक्षा के लिए भी साधन की जरूरत है, वो साधन कहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे? जो शिक्षा है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी फैसिलिटीज दे रही है। वीमेन एम्पावरमेंट पर बहुत स्ट्रेस किया जा रहा है, गर्ल चाइल्ड फिटिसाइड को रोकने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो इसमें हम सबको अपने अंदर एक अवेकनिंग लानी होगी कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं को हम सही तरह से इंप्लीमेंट करें। दिस इज माय मोटो टू इंप्लीमेंट ऑल द पॉलिसीज बाय द गवर्नमेंट। आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ क्षेत्र है आपका, जो स्कूल है वहाँ आजकल देखा जाता है कि जो मंचले होते हैं स्कूल के पास में आके महिलाओं के साथ में इस तरीके बदतमीजी करते हैं, तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई एम वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन आई सिट ऑन द चेयर। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे विद्यालय के अंदर कोई भी बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और मैं हर बच्चे का सार्वभौमिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहती हूँ, चाहे उसका शिक्षा को लेकर है, चाहे उसका सांस्कृतिक एस्पेक्ट को लेकर के है या उसका स्पोर्ट्स को लेकर के है, ताकि उसकी जो ऊर्जा है वो गलत रास्तों पर ना लगे। जहाँ तक मंचलों की बात है तो मंचलों के लिए जो है वो पुलिस है, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके साथ जो है वो संबंधित रहते हैं, उनके साथ इन टच रहते हैं और ऐसी कोई हमें स्थिति नहीं आती है। आप महिलाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं महिलाओं से यही कहूंगी, बार बार कहूंगी कि अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाएं, अपने को सशक्त बनाएं, अपनी बच्चियों को भी शेष कर आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक लड़की से, एक महिला से पूरा परिवार चलता है और पूरे परिवार से पूरा देश चलता है।